भारत रत्न देना चाहिए। एक तो मैं अपना पोजीशन बता देता हूं, पहले मैं कहता था कि भगत सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर यह सरकार सावरकर को भारत रत्न देने जा रही है तो मैं कहूंगा कि भगत सिंह को कभी भी भारत रत्न नहीं देना चाहिए, इससे भगत सिंह का अपमान होगा। जो माफी मांग लिया अंग्रेज से उसको तुम भारत रत्न दोगे, और जो फांसी पर झूल गया उसके लिए तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन यह बात चुनाव के दौरान बोली क्यों गई है, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए बोली गई है कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में सावरकर चौक था, पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है। जो सावरकर चौक का सड़क नहीं बना पाए वो सावरकर को भारत रत्न देने जा रहे हैं। इसको कहते हैं भावनाओं से खेलना, इसको कहते हैं अस्मिता का प्रश्न खड़ा करना, इसको कहते हैं आस्था का प्रश्न खड़ा करना। ये अस्मिता का प्रश्न, आस्था का प्रश्न, भावना का प्रश्न, धर्म का प्रश्न, प्रतीक का प्रश्न इसलिए खड़ा किया जाता है कि आपको हर चीज की चिंता हो रही है लेकिन आपको अपनी, अपने शहर की और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं हो रही है। आप ये नहीं देख पा रहे हैं कि नेता बड़ी चालाकी से पहले खुद नेता बनता है फिर अपने बाल बच्चों को नेता बनाता है। उसको अपने बेटे के करियर की बड़ी चिंता है लेकिन आपको अपने बच्चे के शिक्षा की, उसके दवाई की, इलाज की, सड़क की, सुरक्षा की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो हम ये विचार करते ना कि राजनीति में हो क्या रहा है, राजनीति में चल क्या रहा है। राजनीति में हो ये रहा है कि शाम को जो आदमी कांग्रेस में होता है सुबह को पता चलता है भाजपा में चला गया है। कल तक गांधी जी के सामने गांधी जी जिंदाबाद कहकर के फोटो खिंचा रहा था, सुबह से जो है गोडसे की मूर्ति के सामने खड़ा होकर के गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ये कैसे हो रहा है? आज जब यहां खड़े हैं चुनाव में, अभय टकसाल ने कहा कि किसी व्यक्ति को हराने और जिताने का सवाल नहीं है। भारतीय राजनीति में, इस जमहूरियत में सही मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का सवाल है। हम जब अभी जाकर के लोगों को कहते हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट मत कीजिए, जात के नाम पे वोट मत कीजिए, अपने जो आपके वाजिब सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान, इन मुद्दों पे वोट कीजिए, तो लोगों को यह बात पसंद नहीं आती है। लोगों को लगता है पाकिस्तान, कश्मीर, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, वेद पुराण, इसके नाम पे वोट करना चाहिए। ठीक है, कीजिए। उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोगों का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी को उसकी जो राजनीति है वो करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, हो रही है, मानते हैं, लेकिन इसका असर कभी ना कभी पूरे समाज के ऊपर देखने को मिलेगा। और वो असर ये है कि महाराष्ट्र के भीतर जो महाराष्ट्र के लोगों के सवाल हैं वो महाराष्ट्र की चुनाव की चर्चा से गायब है। चर्चा क्या है? 370, 420 सवालों का भाजपा के पास एक जवाब है, 370। आज हमको एक पत्रकार ने कहा कि 370 खत्म हो गया। हम बोले बहुत बढ़िया बात है, कल से आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए क्योंकि 370 खत्म हो गया है। 370 खत्म हो गया इसलिए हमको सुबह में भूख नहीं लगेगी। भूख का सवाल भी तो सवाल है ना, तभी तो शिवसेना कह रही है कि 10 रुपए में खाना खिलाएंगे, 10 रुपए में खाना खिलाएंगे और 7 रुपया संडास जाने का लेंगे। ये मुद्दा नहीं है, ठीक है। हर सवाल का एक ही जवाब है, कल तो आपको जो है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा क्योंकि 370 खत्म हो गया है। औरंगाबाद शहर में जो है पानी की समस्या नहीं है क्योंकि 370 खत्म हो गया है।
इस बात को आप समझिए कि चुनाव के ठीक पहले सगुफा क्यों छोड़ा जाता है कि औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके संभाजी महाराज के नाम पर रख देना चाहिए। संभाजी महाराज से किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक नया शहर बनाया जाए, नई सड़कें बनाई जाए, नई कॉलोनी बने, नया यूनिवर्सिटी बने, नया अस्पताल बने, नए तरीके से लोगों को बसाया जाए और उसका नाम संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए, क्या नाम है, क्या दिक्कत है इसमें? बनाना कुछ नहीं है, बस बिगाड़ते रहना है, कुछ नहीं बनाना है। क्योंकि बनाने में मेहनत लगती है, बनाने में मेहनत लगती है, बनाने में खून पसीना लगता है, लेकिन जिसको बेईमानी करने की आदत हो जाए वो खून पसीने की कीमत नहीं समझता है। और इसीलिए ये बेईमानी की राजनीति आज हम लोगों की रगों में घुस गया है, एकदम घुस गया है। पहले से मन बनाए हुए हैं हम भी, तो अपना सरकार भी मन बनाए हुए है। सरकार बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाई है, आपकी सरकार आ रही है अच्छे दिन की तरह। सरकार जब आ रही है, फडणवीस पहले से ही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। सियासत न पानी पे चलती है, न रोजगार पे चलती है, न महंगाई पे चलती है। कुछ लोग कहते हैं ऐसा करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि हमको चुनकर दीजिए, हम मुसलमानों की रक्षा करेंगे। जवाब देना चाहता हूं, रक्षा करने का काम इस खाकी वर्दी के हमारे जो पुलिस भाई है, ये उनका काम है, वो अच्छी भली बात ही जानते हैं। अगर कोई